रमेश की अभी अभी ट्रांसफर हुई है यूपी नोएडा में। ऑफिस की तरफ से उसे ग्रेटर नोएडा में एक अपार्टमेंट मिला है रहने के लिए। वो काफी सुनसान इलाके में था अपार्टमेंट, शहर से काफी दूर। ट्रेन से उतर के वो कैब से अपनी अपार्टमेंट पहुंचा। बाहर एक गार्ड खड़ा था, गार्ड का नाम था लखन। लखन ने सलाम मार के रमेश को उसके फ्लैट का चाबी दिया, बोला आपका फ्लैट नंबर है 12B। रमेश जाने ही वाला था कि लखन बोलने लगा, सर जी आपके सामने वाला फ्लैट 12A है, कृपया आप उस घर के पास मत जाना। रमेश को बड़ा ही अजीब लगा, आखिर लखन ने उसे ऐसा क्यों कहा। अपार्टमेंट की तरफ आते हुए रमेश ने नोटिस किया कि वो जगह बिल्कुल वीरान था, आसपास कोई भी इंसान नहीं दिखा। लिफ्ट से वो 12th फ्लोर पहुंचा। जैसे ही वो अपने फ्लैट की तरफ जाने लगा, उसकी नजर उस फ्लैट में पड़ा जिसका नंबर था 12A। नंबर प्लेट देख के ऐसा लगा जैसे कई सालों से उसमें धूल पड़ी हुई है। रमेश जल्दी जल्दी अपने फ्लैट में पहुंचा और फ्रेश होकर आराम करने लगा। रमेश को कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। लगभग शाम को 7:30 बजे उसकी नींद खुली। रमेश ने धीरे से अपने दरवाजे खोले और सामने की फ्लैट की तरफ देखने की कोशिश की। फ्लैट 12A के दरवाजे के नीचे से लाइट्स दिख रहा था। रमेश को लगा कि उसके सामने वाले फ्लैट में कोई तो रहता है। रमेश धीरे से जाके 12A के सामने खड़ा हो गया। कुछ अजीब आवाजें रमेश के कानों में गूंजने लगी। रमेश ने झुक के दरवाजे के की होल से अंदर की तरफ देखने की कोशिश की। रमेश ने देखा कि एक महिला जिनकी खुले हुए काले लंबे बाल थे और जिनकी स्किन बिल्कुल बेरंगी थी, जैसे शरीर में खून बिल्कुल ना हो, वो दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी थी। वो तुरंत अपने कमरे में वापस चला गया। लेकिन अगले दिन जब वो ऑफिस से वापस आया, फ्लैट 12A के सामने उसे फिर से वही अजीब सी आवाजें सुनाई दी। फिर से रमेश ने अपने घुटनों के बल बैठ के दरवाजे के की होल से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन आज उसे कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि की होल के उस पार कुछ लाल और काले रंग दिख रहा था। अचानक रमेश का सर चकराने लगा जब उसे ये महसूस हुआ कि दरवाजे के उस पार से एक आंख उसे देख रहा था। रमेश भाग के अपने फ्लैट पहुंचा और दरवाजे बंद करके तुरंत सोने चला गया। सुबह होते ही वो तैयार होके नीचे पहुंचा और लखन को ढूंढने लगा, लेकिन लखन कहीं नहीं मिला। अचानक उसे रास्ते से जाते हुए एक कार दिखी। वो कार आके उसी के पास रुका। कार से अरुण निकल के आया। अरुण रमेश के ऑफिस में ही काम करता है। अरुण बोलने लगा, अरे रमेश जी आप यहाँ क्या कर रहे हो। जब रमेश ने बोला कि ये उसका अपार्टमेंट है, अरुण की बोलती बंद हो गई। अरुण बोलने लगा, आपका क्वार्टर यहाँ नहीं है, ये पहले हमारे ऑफिस का क्वार्टर हुआ करता था, लेकिन आज से 7 साल पहले यहाँ के फ्लैट नंबर 12A में रहने वाले रेसिडेंट ने अपनी पत्नी का खून कर दिया था। हमारे यहाँ का गार्ड लखन ने मर्डर होते हुए देख लिया था, इसलिए उस आदमी ने लखन का भी गला घोट के मार डाला था। इसके बाद उसने खुदकुशी कर लिया था। आज भी वो केस सोल्व नहीं हुआ है। और उनकी बातें सुनकर रमेश का दिल दहल गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि पिछले 2 रात वहाँ रहने के बाद वो जिंदा कैसे बच गया।